नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर में। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ जो सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग का राइट इशू आया है उसे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो के जरिए आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इस राइट इशू को अप्लाई करने के दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको नेट बैंकिंग एसबा के थ्रू, और दूसरा रजिस्ट्रार जो है उसकी वेबसाइट पर जाके आप आर वेब की जो फैसिलिटी है उसका यूज करके भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस मैं यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो पहले हम स्टेप देखेंगे कि अगर आप नेट बैंकिंग यानी कि एसबा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करना होगा। जो भी आपका बैंक है उसकी नेट बैंकिंग सेवा उपलब्ध होनी चाहिए और आपको उसमें लॉगिन करना होगा। आपको यहाँ वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपका जो भी नेट बैंकिंग का पूरा ऐप जब ओपन हो जाएगा और आप लॉगिन कर जाएंगे वहां पर, या तो आईपीओ एंड राइट्स इशू का एक ऑप्शन देगा या एसबा का ही आपको डायरेक्ट ऑप्शन वहां पर दिखाई देगा। अगर आप जब उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको वहां पर एक जो भी अभी करंट में राइट्स या आईपीओ चल रहे हैं उनकी सबकी लिस्ट आएगी, और वहीं पर आपको सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग राइट इशू का भी लिस्ट में अवेलेबिलिटी दिखेगी। अब यहाँ पर जैसे ही आप अब जब वो सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग के राइट इशू पे के अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे या फिर उस सिर्फ वही लिंक रहेगी तो उस पे आप क्लिक कर देंगे तो आप वहां से जो है एक फॉर्म ओपन होगा। आपको वो फॉर्म फिल करना होगा और सारी डिटेल चेक करनी होगी कि सही भरी है या नहीं, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कर देनी होगी। बट यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत से ऐसे बैंक्स होते हैं जिनमें जो कि एसबा की फैसिलिटी होती तो है बट वो राइट इशू नहीं दिखाई देता है या फिर जो है आईपीओ नहीं शो करता है। जैसे कि पिछली बार जब हम केडीडीएल का राइट इशू अप्लाई कर रहे थे तब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम जा रही थी कि केडीडीएल जो है उनके बैंक के एसबा में शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जो है अगर आपके बैंक के एसबा ऑप्शन में सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग का राइट इशू नहीं शो कर रहा है और आप वहां से नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तब यहाँ पे आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है जो कि होता है आर वेब का, और यही आर वेब का ऑप्शन हम आगे आने वाली जो है प्रोसेस में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप आर वेब के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पहले आपको जो है रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाना होगा। ये रही लिंक दोस्तों, और मैं ये लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड की हुई है, तो आप वहां से इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और जैसे ही ये ओपन होगी वहां पे एक आर वेब का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। वहीं पे लिखा रहेगा क्लिक हियर टू अप्लाई वाया आर वेब। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज ओपन होगा, उसको आप स्क्रॉल करके डाउन साइड आएंगे तो आपको चार चेकबॉक्स चेक करने होंगे। पहला चेकबॉक्स रहेगा आई हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर, जी हाँ उसे आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा चेकबॉक्स रहेगा आई एम अ रेजिडेंट इन इंडिया, इसे चेक करना पड़ेगा। आई एम होल्डिंग एंड मेकिंग पेमेंट फ्रॉम माई ओन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, जी हाँ यानी कि आप अपने खुद के रेजिडेंट मतलब जो इंडियन बैंक अकाउंट है उससे आप जो है पे कर रहे हैं, इसे भी चेक करना पड़ेगा। और आई एम द सोल और वन ऑफ द ज्वाइंट होल्डर इन द बैंक अकाउंट थ्रू विच पेमेंट इज मेड, यानी कि अगर आप ज्वाइंट अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं तो आपका उसमें ऑनरशिप होना जरूरी है, या फिर आप अगर किसी सिंगल होल्डर अकाउंट से भी कर रहे हैं तो आप उसके सोली ऑनर होना चाहिए, तो इसे भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये चारों जो चेकबॉक्स हैं उन्हें आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप एक भी छोड़ देंगे तो आप नेक्स्ट जो है स्टेप पे नहीं जा पाएंगे। तो वंस आप जो है चारों चेकबॉक्स को चेक कर देते हैं उसके बाद वहां पर एक बटन दिखाई देगा आपको नीचे प्रोसीड का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक और आर वेब का नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जब ये नया पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन देना है। तो पहले आपसे पूछा जाएगा कंफर्मेशन डिटेल, ये सेम पेज पे आएंगी सारी डिटेल। तो जब कंफर्मेशन डिटेल का ऑप्शन आएगा वहां पे आपके पास दो चेकबॉक्स रहेंगे। तो पहला चेकबॉक्स रहेगा उसमें लिखा रहेगा आई एम अ शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्ड डेट एंड अंडरटेक टू होल्ड राइट एंटाइटलमेंट टिल इशू क्लोजिंग डेट, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जिन्हें ऑलरेडी राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं अगर आप उनमें से हैं तो आपको जो है ये चेक बॉक्स पे चेक करना पड़ेगा, यानी दो में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। तो अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आपको जो है राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं तो आपको ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है आई एम रिनाउंसी एंड होल्ड
राइट एंटाइटलमेंट इन अ वैलिड डीमेट अकाउंट एंड अंडरटेक टू होल्ड राइट एंटाइटलमेंट टिल इशू क्लोजिंग डेट, यानी कि आपने जो है राइट एंटाइटलमेंट होल्ड करे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि जब तक इशू क्लोजिंग डेट के पहले पहले आपके जो होल्ड राइट एंटाइटलमेंट है वो होल्ड हो जाएंगे, यानी कि आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये चीज आप यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर जो भी लोगों ने राइट एंटाइटलमेंट सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है, तो जिनको अलॉट नहीं हुए हैं और जिन्होंने खरीदा है सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट, उन्हें ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है होल्डिंग टाइप का, तो यहाँ पे भी आपको दो चेकबॉक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है ऊपर कंफर्मेशन डिटेल में कि दैट आई एम रिनाउंसिंग एंड होल्ड राइट एंटाइटलमेंट वाला, तो ये नीचे के दो चेकबॉक्स हैं वो जो है फेड हो जाएंगे, यानी कि आप वहां पे नहीं रहेंगे, सिलेक्ट नहीं कर सकते आप। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो होल्डिंग टाइप्स आपको डिक्लेयर करनी है उसमें पहला ऑप्शन है कि आई एम होल्डिंग द स्टार शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म, यानी कि अगर आप एग्जिस्टिंग होल्डर हैं तभी आपको ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में आपने ऑलरेडी जो है यहाँ पर ऊपर बता दिया है कि आपने डी मटेरियलाइज फॉर्म में आपने जो है ले लिया, यानी कि आपके डीमेट में है। बट यहाँ पर अगर आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तभी आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आपने आपके पास फिजिकल फॉर्म है तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और नहीं तो आपसे दूसरा ऑप्शन जो है आई एम होल्डिंग द शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म इस पे, यानी कि डीमेट फॉर्मेट में डीमेट अकाउंट में आपने जो होल्ड करते हैं ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये सिर्फ जो आप जब आप कंफर्मेशन डिटेल में फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तभी ये यहाँ पर शो करेंगे, अदरवाइज अगर आप जैसे ही सेकंड करेंगे तो आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं कि डीमेट फॉर्म में आपके पास हैं, तो नीचे के जो है वो फेड हो जाएंगे। जब आप ये दोनों ऑप्शन भर देंगे उसके बाद आपको जो है फिर सबमिट का वहां पे एक बटन होगा, सबमिट पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा और आपसे वहां पर आपका डीपी का क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी क्लाइंट आईडी मांगेगा और पैन नंबर मांगेगा, ये डिटेल फिल करेंगे आप। वहीं पे एक और चेकबॉक्स होगा जो लिखा होगा, उसे तभी सिलेक्ट करना है आपको इफ यू आर रेजिडेंट ऑफ सिक्किम और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ पैन। तो अगर आप पैन कार्ड ऑब्टेन करने से एग्जेम्प्टेड है या फिर आप सिक्किम के रहने वाले हैं तभी आपको ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद वहां पर फिर से आपको सबमिट का ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे सबमिट पे, देन आपको एक फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी कि कितने आपने आपके पास राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, कितने आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस हिसाब से, और आपकी जो बैंकिंग डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। उसको फिलअप करने के बाद आप उसे वैलिडेट करें और फिर वहां पर भी जो है एप्लीकेशन में सबमिट का ऑप्शन होगा, आप उस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों कि किस तरह से आप जो है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग के जो राइट इशू हैं उसे अप्लाई कर राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।